हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है हिंदी प्रश्नोत्तर भाग 4। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो परीक्षा पैटर्न है, आगामी जो एमपी भर्ती परीक्षाएं या समूहों की भर्ती परीक्षाएं हैं, तो वहां पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और जिसमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही प्रश्नोत्तर पैटर्न से लेकर आया हूँ, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप भी सही ऑप्शन नोट करते रहेंगे ताकि आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी होती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी नए व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हिंदी साहित्य के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए, पहला प्रश्न है, अंधा युग किसकी कृति है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी धर्मवीर भारती या डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, अंधा युग ये प्रसिद्ध रचना है किसकी? धर्मवीर भारती जी की। ये सन 1955 में प्रकाशित हुई थी। और देखिए, ये क्या है? गीति नाट्य है। ये क्या है? गीति नाट्य। और इसमें कितने अंक हैं, अंक पूछे जाते हैं? ये 5 अंकों का गीति नाट्य है। और इसमें 5 अंक कौन कौन से हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, कई बार उनके क्रम पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? पहला इसे कौरव नगरी, दूसरा इसका अंक है, पहला कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धशक्ति, अश्वत्थामा का अर्धशक्ति, उसके बाद इसमें आता है अंतराल, उसके बाद क्या आता है? अंतराल आता है, अंतराल का नाम है पंख पहिए और पट्टियां, तो लेकिन वो अंक नहीं, वो अंतराल है। उसके बाद आता है इसका चौथा अंक जिसका नाम है गांधारी का सांप, गांधारी का सांप। और जो अंतिम है वो है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो देखिए, इस तरह इसके 5 अंक हैं, वो अंकों का क्रम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, धर्मवीर भारती के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये भी पूछे जाते हैं, गुनाहों का देवता, ये भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेणु रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो रेणु रचनावली किसकी है? ये है फणीश्वरनाथ रेणु, जो आंचलिक उपन्यासकार ने आपको पता होगा, तो उन्होंने उनकी जो रचनाएं हैं वो रेणु रचनावली में संग्रहित हैं। तो कितने खंडों में है? ए 2, बी 7, सी 5 या डी 8। तो देखिए, ये कितने खंडों में प्रकाशित है? ये है 5, फणीश्वरनाथ रेणु तो आंचलिक उपन्यासकार हैं। और देखिए, इनका एक उपन्यास है मैला आंचल, पहला उपन्यास मैला आंचल, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, 1954 में प्रकाशित हुआ। और देखिए, इसका पूछा जाता है कई बार कि जो मैला आंचल है उसमें किस स्थान का वर्णन किया गया है, तो ये कहाँ का है? बिहार के पूर्णिया जिले के, बिहार के पूर्णिया जिला, कौन सा जिला? पूर्णिया जिला, वहां पे स्थान है मेरीगंज, कौन सा? मेरीगंज, वहां के इसमें कथा है। अगला है तीसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रचना भक्ति किसमें संग्रहित है? एनसीईआरटी का प्रश्न है। ए श्रृंखला की कड़ियां, बी अतीत के चलचित्र, सी स्मृति की रेखाएं या डी यामा। तो देखिए, जो भक्ति है वो रेखाचित्र किसमें संकलित है? वो है स्मृति की रेखाएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए, महादेवी वर्मा जो कि छायावादी कवित्री हैं, उनका यामा बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये ज्ञानपीठ, इसके लिए उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए? यामा के लिए। यामा जिसमें इनके 4 रचनाओं का संग्रह है, कौन सी है? निहार, निर्जा, रश्मि और सांध्य गीत। सांध्य गीत इन चारों का जो संग्रह है वो है यामा में, और इसके लिए इन्हें 1982 का क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भक्ति रेखाचित्र किसमें संकलित है? स्मृति की रेखाएं में। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? यामा के लिए 1982 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। चौथा,
अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामायण को गुजराती में अनुवाद किसने किया है? तो इनका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामायण, इसका गुजराती में अनुवाद किसने किया है? देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न महत्वपूर्ण है। ए अमरकांत, बी उमाशंकर जोशी, सी रघुवीर सहारिया, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिये गुजराती कवि वो थे आपके उमाशंकर जोशी जी। देखिए जो उमाशंकर जोशी जी थे इन्होंने इसका गुजराती में अनुवाद किया, और साथ ही देखिए उमाशंकर जोशी जी इन्होंने गुजराती कविता और साहित्य को एक नया स्वर दिया, उस पर अच्छा इन्होंने काम किया। अगला है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो देखिए फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? ए नवाब राय, बी रघुवीर सहाय फिराक, सी गोरखी, या डी वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका सही आंसर है बी रघुवीर सहाय फिराक, के फिराक गोरखपुरी का असली नाम था। तो इनकी रुबाइयां काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए जो नवाब राय है ये है प्रेमचंद का। गोरखी, देखिए जो यशपाल थे वे अमरकांत को किसे अमरकांत को गोरखी कहा करते थे। वैद्यनाथ किसका नाम है मूल नाम, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, वैद्यनाथ मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे इसका हमारा आंसर है रघुवीर साहेब फिराक। अगला प्रश्न, प्रगतिशील त्रय में कौन शामिल नहीं है? देखिए प्रगतिशील त्रय, त्रय मतलब यानी तीन जो कवि हैं उन्हें प्रगतिशील त्रय में रखा गया है, तो कौन शामिल हुए हैं? ए अघे, बी नागार्जुन, सी शमशेर बहादुर सिंह, या डी त्रिलोचन। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है वो है ए अघे। प्रगतिशील त्रय में कौन कौन शामिल है? नागार्जुन शामिल है, त्रिलोचन शामिल है, शमशेर बहादुर सिंह शामिल है, तीनों शामिल है, अगे शामिल इसमें नहीं। तो हमारा आंसर है नहीं पूछा गया है, प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ये शामिल नहीं है। सातवां माना, प्रवासी की डायरी किस प्रश्न है? ए अगे, बी हरिवंश राय बच्चन, सी पंतजी, या डी नीलादा। तो इसका सही आंसर है बी हरिवंश राय बच्चन जी। तो देखिए जो हरिवंश राय बच्चन जी है इनका जो वाद है वो हालावाद नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं हालावाद। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा जो हरिवंश राय बच्चन जी है इनकी आत्मकथा चार भागों में विभक्त है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आठवां, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? देखिए निराला जी पर लिखी गई है, किसकी कृति है? ए निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी अज्ञे, सी रामविलास शर्मा, या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ये देखिए ये किसकी कृति है? ये है रामविलास शर्मा जी की कृति। तो रामविलास शर्मा जी उन्होंने लिखी थी निराला की साहित्य साधना, ये तीन खंडों में प्रकाशित है, कितने? तीन खंडों में। और निराला की साहित्य साधना के लिए ही रामविलास शर्मा जी को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी आप ध्यान दीजिएगा कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था निराला की साहित्य साधना के लिए। इसके अलावा रामविलास शर्मा जी को ये पहले रचनाकार हैं जिन्हें 1991 में क्या मिला, व्यास सम्मान, इन्हें पहली बार मिला था व्यास सम्मान, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साहित्य आलोचन किसकी कृति है? देखिए आलोचनात्मक कृति है साहित्य आलोचन किसकी कृति है? ए श्याम सुंदर दास, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो साहित्य आलोचन ये कृति है श्याम सुंदर दास जी की। तो देखिए फ्रेंड्स आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है आत्मजय के रचनाकार हैं कौन है? ए मुक्तिबोध, बी कुंवर नारायण, सी रघुवीर सहाय, या डी केदारनाथ सिंह। तो देखिए ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, बुक्स में दिया गया है, तो ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो नए व्यूअर्स अगर यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू।